हाय गाइस, वेलकम बैक टू वेशी एकेडमी। तो आज हम करने वाले हैं रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 3। तो देखते हैं इसमें किस तरह के क्वेश्चंस हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, क्या है? शब्द HOTUM, शब्द HOTUM के अक्षरों से शरीर का अंग बनता है, ओके? जिसका मध्य अक्षर क्या होगा? आपको पहले आइडेंटिफाई करना है कि शरीर का कौन सा आपका अंग बन रहा है इससे, फिर आपको आपको क्या करना है, यहाँ पे जो बीच वाला लेटर है वो आपको आइडेंटिफाई करना है। तो देखिए, H है, O है, T U M है, तो ये बन सकता है आपका आई थिंक माउथ, M O U T H। जी हाँ, बिल्कुल। अब आपको बीच वाला यहाँ पे लेटर आइडेंटिफाई करना है, तो बीच में आपका क्या आ रहा है? U आ रहा है, दो इस तरफ है और दो इस तरफ है, तो बीच में आपका U आ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, 138, 161, 185 एंड 210। तो देखिए क्या बनेगा, आपको ये आइडेंटिफाई करना है, तो एक बार इसको लिख लेते हैं साइड में, राइट? अब गैप चेक करते हैं। अगर 161 में से 138 को माइनस किया जाए तो 11 में से 8 गया 3 और यहां बचा 15, 15 में 13 गया 23, ओके? अब 185 में से 161 को माइनस करते हैं तो 5 में से 1 गया 4 और 18 में से 16 गया 2। क्या एक एक का डिफरेंस? चलो देखते हैं अभी। और अब ये 0 में से 5 जाएगा नहीं, तो 10 में से 5 गया 5 और यहां बचा 20, 20 में 18 गया 25। अरे वाह, ये तो बहुत आसान है, 23 से 24, 24 से 25। तो नेक्स्ट वाले में क्या आना चाहिए, यानी आपका गैप में सिर्फ एक का डिफरेंस है, पहले 23 का, फिर 24 का, 25 का, तो अगले वाले में 26 का गैप होना चाहिए। तो 210 में आप 26 को ऐड करेंगे, देन यू विल गेट व्हाट? 236। तो 236 कहां पे मिल रहा है आपको? ऑप्शन बी में देखने को मिल रहा है। तो काफी आसान सा सवाल था। आगे बढ़ते हैं। मोती हार, यानी मोतियों से आपका हार बनता है, तो फूल से क्या बनेगा, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। बाग नहीं, पौधा नहीं, पंखुड़ी ये भी नहीं, गुलदस्ता। जी, गुलदस्ता इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। तो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप यहां पे डीएलएड की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको मैं बता दूं मंडे से लेके फ्राइडे तक आपकी लाइव क्लासेस चलती हैं और संडे को आपका टेस्ट होता है। और अगर मैं बात करूं YouTube की क्लासेस की, तो वो आपको मंडे को मिलती हैं, वेडनेसडे को मिलती है और फ्राइडे को मिलती है, और सैटरडे को आपकी लाइव क्लास होती है, राइट? जो कि मैराथन क्लास होती है, जिसमें हम आपको MCQ सॉल्व करवाते हैं, जहां पे आपका रीजनिंग, मैथमेटिक्स, GS या फिर GK वाला पोर्शन आप कह सकते हैं, और एक आपका पैडागॉजी यानी शिक्षण अभिरुचि। ये सारे MCQs आपको सैटरडे की लाइव क्लास में, जो कि मैराथन क्लास है, आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि दिल्ली के लिए कूट भाषा CCIDD है, दिल्ली के लिए कूट भाषा CCIDD हो, तो बॉम्बे के लिए क्या होगा, आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले काम करते हैं DELHI, इसको साइड में लिख लेते हैं, राइट? अब ये क्या बना है, CCIDD। तो देखिए, एक कम यानी यहाँ पे 4 है तो ये 3, ये 5 है तो ये 3, अब 2 का गैप यानी -2, उसके बाद ये 12 पे आता है और ये 9 पे आई, तो अब -3। फिर H है यहाँ पे 8 पे और D है 4 पे, फिर -4। इस तरह I आता है आपका 9 पे और ये आता है आपका D 4 पे, तो -5 करेंगे तब जाके आपको 4 मिलेगा। यानी आप देख सकते हैं, जो ये यहाँ पे लेटर आपको मिल रहे हैं उनमें एक पैटर्न है, पहले -1, फिर -2, फिर -3, फिर -4, फिर -5। इसी तरह आप बॉम्बे के साथ करेंगे तो BOMBAY, तो ये 2, ये 15, ये आपका आएगा 13, ये 2, ये 1 और ये 25। तो आप इसमें से एक माइनस करेंगे तो आपको A मिलेगा, इसमें से 2 माइनस करेंगे, राइट? तो यानी 15 में 2 गया 13 और 13 पे क्या आता है आपका, M आता है। उसके बाद अगर M में 3 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 10, 10 पे J आता है। फिर B में से आपको कितना माइनस करना है, 4 माइनस करना है, तो यानी 2 माइनस करेंगे तो B और A कैंसिल हो गए। अब आपको 2 और हटाना है, तो 2 कहां से हटाएंगे आप, Z से वापस जाइए, Z फिर Y, यानी आपका एक Z हटेगा और एक आपका Y हटेगा, तो इससे पहले क्या आएगा आपका X, तो यहां पे X आ जाएगा, राइट? अब यहां पे A है, इसमें से आपको 5 माइनस करना है, तो एक तो A हट गया, बाकी आपको 4 और माइनस करना है, तो उसमें क्या आ जाएगा, एक तो Z जाएगा, एक Y जाएगा, एक X जाएगा और एक आपका क्या जाएगा, W जाएगा। तो बचा क्या इससे पहले, V, तो यहां पे आपका कितना आएगा, V आएगा। अब यहां पे आपको 6 माइनस करना है, तो 25 में से 6 माइनस करेंगे, 25 में से 6 माइनस करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, आपको मिलेगा 19 और 19 पे क्या आता है, S, तो यहां पे आपका क्या आएगा, S आएगा। तो AMJX VS, ये ऑप्शन A में ही आपको मिल गया, तो ऑप्शन A क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
किसी निश्चित भाषा में 256 का अर्थ है यू आर गुड, राइट। 256 का अर्थ है यू आर गुड, और 637 का अर्थ है वी आर बैड, और उसके बाद है 358, इसका अर्थ है गुड एंड गुड, ओके सॉरी गुड एंड बैड। तो आपको बताना है कि एंड का कोड क्या है। तो देखो सबसे पहले देखते हैं एंड यहां पे आ रहा है, तो हमें एक गुड का कोड आइडेंटिफाई करना है और बैड का कोड आइडेंटिफाई करना है। अगर गुड और बैड का कोड मिल गया तो एंड का कोड भी हमको बहुत आसानी से मिल जाएगा। तो गुड एक यहां पे है और एक बार गुड यहां पे है, तो यानी आपको 358 और 256 में कॉमन ढूंढना है। तो इसमें कॉमन मिल रहा है आपको 5, तो यानी गुड का कोड हो गया 5। अब बैड की बात करते हैं, तो बैड आपको एक तो यहां मिल रहा है और एक यहां पे मिल रहा है। तो यहां पे देखो इसमें और इसमें कॉमन क्या है, तो इसमें आपका 3 कॉमन है, तो 3 यानी बैड के लिए हो गया। तो देखो 3 का कोड मिल गया, 5 का कोड मिल गया, तो बचा कितना आपका 8, राइट। तो 8 किसका कोड होगा, एंड का। तो एंड का कोड आपको 8 मिल गया, जो कि ऑप्शन सी में आप देख सकते हैं। तो आपका ये भी आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब मैं स्टेशन पहुंचा तो पता चला कि मैं गाड़ी छूटने के नियत समय से आधा घंटा पहले पहुंच गया हूं। गाड़ी 1 घंटा 30 मिनट विलंब होने के कारण 6:20 बजे आई, तो मैं कितने बजे स्टेशन पर पहुंचा। तो चलो ठीक है भाई, वो आधा घंटे पहले पहुंच गया लेकिन गाड़ी लेट हो गई, तो गाड़ी लेट हुई तो वो 6:20 पे गाड़ी वहां पे आई, तो भाई 1.5 घंटा लेट है तो 1.5 घंटा माइनस करना पड़ेगा, यानी 1 घंटा 30 मिनट। अब भाई 6:20 से 1:30 को कैसे माइनस करें, 20 से 30 जाएगा नहीं, तो भाई 1 घंटा इसको उधार देते हैं, वो कि मिनट में आपका यहां पे कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये 5 घंटा, तो 1 घंटे में 60 मिनट, 60:20 कितना हो जाएगा 80। अब इसमें एक मतलब 1.5 घंटे को माइनस कर लो, तो 80 में 30 गया, ये आपका आया 50, 5 में से 1 गया 4। तो भाई गाड़ी किस समय आई, 4:50 पे गाड़ी को आना था, लेकिन आई कितने पे, 6:20 पे, लेकिन वो बंदा यानी मैं आधा घंटे पहले पहुंचाऊं, तो 4:50 में से आप 30 मिनट और माइनस कर लो, राइट। तो ये कितना आएगा 20, और ये आपका कितना है 4। तो 4:20 पे मैं यहां पे मतलब रेलवे स्टेशन पे पहुंच गया था। तो ये आपको ऑप्शन डी में देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आज शुक्रवार है, पिछले सोमवार को जो तारीख थी 29 दिसंबर 1975 था, राइट। तो आज तारीख है, तो भाई 29 के बाद 30, फिर 31, क्योंकि दिसंबर 31 का होता है, फिर 1, फिर 2, इस तरह से आपकी तारीख बढ़ती जाएंगी, 3, 4, राइट। तो देखो 29 को आपका क्या था, सोमवार, फिर 30 को मंगल, 31 को बुधवार, राइट, 1 को बृहस्पति, राइट, फिर 2 तारीख को आपका शुक्रवार, राइट। आज शुक्रवार है उसने बोला हुआ है, तो शुक्रवार कब को पड़ेगा, 2 तारीख को, और 2 तारीख में कौन सा साल, अगला साल लग जाएगा, यानी 2 जनवरी 1976। और अच्छी बात यह है कि इसमें 2 जनवरी वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन है, साल में भी कोई चेंज नहीं किया हुआ है, सारे आपको 1976 मिल रहे हैं। तो यहां पे आपका बहुत इजीली आंसर निकल गया है, शुक्रवार को कौन सी तारीख थी, यानी आज कौन सी तारीख है, 2 जनवरी 1976 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो ये आपका सवाल हो गया, 3-4 को करने की कोई जरूरत नहीं, उसने पूछा है शुक्रवार को आपका कौन सा दिन था, यानी कौन शुक्रवार को आपको कौन सी तारीख थी, दिन तो आपको बताइए। तो नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, लड़कों की एक पंक्ति में आनंद बाएं से 11वां है और दीपक दाएं से 15वां है। तो एक पंक्ति बनाते हैं, राइट, यहां से जाएंगे आप अगर बाएं से, तो बाएं से यहां पे है आपका आनंद, जो कि कौन से नंबर पे, 11वें नंबर पे, राइट, थोड़ा इसको आगे बढ़ा लीजिए, और फिर बोला जाता है आपको दीपक दाएं से 15वां है, तो यहां से आप जाएंगे, तो यहां पे मान लो कहीं भी दीपक हो सकता है, आगे पीछे हो, बट हम यहां पे बना लेते हैं, यहां पे दीपक है और ये 15वें स्थान पर है, राइट। अब दोनों ने अपनी स्थितियां बदल ली, यानी यहां पे दीपक आ गया और यहां पे आनंद आ गया, ठीक है। तो जब दोनों अपनी अपनी स्थितियां बदल लेते हैं, तो आनंद बाएं से 5वां होगा, तो आनंद बाएं से 5वां होगा, तो आनंद यहां पे बाएं से 5वां है, राइट। अब एक चीज नोटिस कीजिए, आपको बताना है, पहले आप सुन लो क्वेश्चन क्या बताना है, निम्न में दाईं ओर से दीपक कौन सी स्थिति में है, तो दीपक बाईं ओर से, दीपक दाईं ओर से कौन सी स्थिति में होगा। तो एक चीज नोटिस करो, यहां पे आप आ रहे हो तो दाएं से दीपक 15वें पे है, अब जब स्थितियां चेंज हो गई हैं, तो यहां पे दीपक की जगह कौन आ गया,
दीपक की जगह कौन आ गया? आनंद आ गया। तो अगर स्थिति हम चेंज नहीं करते तो यहां पे अगर मान लो आनंद की जगह दीपक ही होता तो दीपक की हमको दोनों स्थितियां पता है, दाएं से भी बाएं से भी, तो 15 और 5 को जोड़ दो कितना हो जाएगा 20, 15 5 को जोड़ोगे लेकिन एक माइनस कर दो क्योंकि आपका यहां पे दीपक एक ही है। अब इतना आपको पता लग गया कि टोटल 19 लोग इस पंक्ति में हैं। अब आपसे पूछा क्या है तो दाईं ओर से दीपक की स्थिति कौन सी होगी, तो दाईं ओर से आपको दीपक की स्थिति बतानी है। तो देखो यहां पे दीपक किसकी जगह आ गया, आनंद की जगह पे आ गया है, तो आनंद बाईं ओर से 11वें स्थान पर है, राइट। तो आप क्या करो 19 में से 11 को माइनस कर दो क्योंकि अब उसकी जगह कौन आ गया, दीपक आ गया है, तो माइनस करोगे आपको कितना मिलेगा 8 मिलेगा, राइट। तो यानी आपने क्या कर दिया, 19 में से किसको माइनस कर दिया, आनंद तक की पोजीशन को माइनस कर दिया, यानी अब तो आनंद की जगह कौन है, दीपक है, उसको आपने माइनस कर दिया, तो 8 लोग बच रहे हैं लेकिन आपको दीपक की पोजीशन बतानी है कहां से, दाईं ओर से। तो आपको दीपक के लिए एक नंबर और ऐड करना पड़ेगा, तो 8 में एक आप ऐड करेंगे तब आपको मिलेगा 9। आई होप थोड़ा सा प्रोसेस क्रिटिकल था लेकिन आपको समझ में आ गया होगा। तो 9वें नंबर पे कौन आएगा आपका, दीपक आएगा कहां से, दाईं ओर से, तो दाईं ओर से दीपक 9वें स्थान पे है, राइट। तो यहां से आपका 9वें स्थान पे कौन आ गया, दीपक आ गया, जो कि आप देख सकते हैं ऑप्शन डी में है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चार मित्र एम एन ओ तथा पी ताश खेल रहे थे, एम दाईं ओर है, एन के, अच्छा ठीक है, एम दाईं ओर है, एन के, देखो ताश की जब भी जब गड्डी खेलेंगे वो, यानी ताश के पत्ते खेलेंगे तो आमने सामने खेलेंगे, तो चार लोग हैं और सबका मुंह केंद्र की ओर होगा, राइट। तो यहां पे क्या बोला है, एम दाईं ओर है एन के, तो एम दाईं ओर है तो एम को यहां ले लेते हैं और एन को यहां रखते हैं, तो एम का, एन का दाया एम ही बनेगा क्योंकि दाया मतलब एंटी क्लॉकवाइज यानी वामावर्त, राइट। तो एम, आप एम वामावर्त में आ रहे एन के। अब पी बाईं ओर है ओ के, पी बाईं ओर है ओ के, तो यानी ओ को यहां होना पड़ेगा और ओ का बाया पी यहां पे बनेगा, राइट। तो ये चार लोग इस तरह से यहां पे इनकी सेटिंग है। तो निम्नलिखित में से कौन जोड़ीदार हैं, पी और ओ जोड़ीदार हैं क्या, पी और ओ तो यार बगल बगल बैठे हैं तो ये जोड़ीदार नहीं है, एम और पी जोड़ीदार है, एम और पी भी बगल बगल है जोड़ीदार नहीं है, एम और एन जोड़ीदार है, एम और एन भी बगल बगल है यार ये भी जोड़ीदार नहीं है, एन और पी जोड़ीदार है तो एन यहां पे है और पी यहां पे, यहां एन और जो पी है वो एक दूसरे के आमने सामने है तो ये आपके क्या हो जाएंगे, जोड़ीदार हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और लास्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। अच्छा एक चीज बता दूं, ये आपका 6 नहीं है, ये आपका 78 है, राइट, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। तो उसने क्या बोला, यदि गुणा को घटा मतलब गुणा का अर्थ घटाओ, भागा का अर्थ योग हो, प्लस का अर्थ भाग हो तथा माइनस का अर्थ गुणा हो, तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है। तो देखो आप सबसे पहले फोकस करो कि भागा किसकी जगह आ रहा है, भागा प्लस की जगह आ रहा है, तो देखो यहां प्लस है तो यहां भागा, तो देखो 10/3 करोगे तो एक परफेक्ट आपको आंसर नहीं मिला, परफेक्ट कैलकुलेशन नहीं मिल रही है, तो इसके चांसेस तो नहीं है। बाकी गुणा और माइनस प्लस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, नॉर्मल वैल्यूज मिलेंगी, फ्रैक्शन में नहीं मिलेंगी, बट यहां पे 10/3 करोगे फ्रैक्शन में आएगा, लेकिन आंसर किसमें आ रहा है, 10 में आ रहा है जो कि फ्रैक्शन नहीं, तो ये गलत। अगर मैं यहां पे करूं 2 और 3, यहां पे प्लस है, प्लस की जगह भागा लगाओगे तो ये भी आपको क्या मिलेगा, एक फ्रैक्शन वैल्यू मिलेगी, तो ये भी नहीं होगा। अब इसे चेक करो, यहां प्लस है यहां भागा लगाओगे तो 3/5, देखो प्लस का उसने भागा बोल रखा है, ठीक है, तो 3/5 करोगे तो ये भी फ्रैक्शन वैल्यू मिलेगी, तो ये आंसर नहीं होगा। अब यहां देखो प्लस की जगह भागा लगाओगे तो 10 × 20 तो यहां 2 आएगा आपको, राइट, तो ये पक्का आंसर होना चाहिए, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 15 माइनस का, माइनस का अर्थ कितना है गुणा, तो यहां पर गुणा लगा लो 5, और भागा का अर्थ कितना है, भागा का अर्थ है योग, भागा का अर्थ आपको योग दिया हुआ है तो यहां प्लस लगा दो और ये 5, और गुणा का अर्थ क्या है, गुणा का अर्थ है घटा, तो यहां पे माइनस लगा दो और ये 20 एज इट इज, और प्लस की जगह आपका भागा आ गया और यहां 10 आ गया। तो पहले आप भाग मतलब भागु जो को आप लगाएंगे वॉर्ड मास, बी वॉर्ड मास, तो ये 2, यहां पे 5, ये प्लस, फिर भाग के बाद आप मल्टीप्लाई करोगे 15/5 = 75, राइट। अब दोनों को आप ऐड कर दो, 75 को ऐड करोगे तो ये 80 होगा, माइनस 2 करोगे कितना आएगा 78, तो 78 आपका देखो मैच कर रहा है, राइट, यहां पे 6 नहीं, इसको 78 कर लीजिएगा। तो आई होप गाइस ये सारे क्वेश्चन आपको यहां पे समझ में आ गए होंगे, तो अगर सारे क्वेश्चन आपको यहां पे समझ में आ गए तो वीडियो को लाइक करके शेयर करना मत भूलना, और जो लोग भी आपके फ्रेंड यहां पे डीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे पेड कोर्स को वो ज्वाइन कर सकते हैं, और कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, उसके लिए उनको वेश्री क्लासेस ऐप को डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर से, राइट। तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।